नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल क्रिएटिव इंडियंस में। दोस्तों, ये हमारी मनाली ट्रिप के तीसरे दिन का व्लॉग है। इस दिन हम अपने होटल जो कि प्रीनी में था मनाली में, वहाँ से जल्दी से निकले अर्ली मॉर्निंग, और हम सबसे पहले गए पैराग्लाइडिंग पॉइंट और रिवर राफ्टिंग पॉइंट। उसके बाद हम गए वैष्णो देवी टेम्पल जो कि कुल्लू में था। फिर कुल्लू में ही हमने कुल्लू शॉल फैक्ट्री देखी। उसके बाद हम वहीं से कसौल और मणिकरण के लिए गए। तो दोस्तों, एक एक करके आपको ये सारी वीडियो मिलेंगी। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करिए जो मनाली जाना चाहते हैं। आने वाले समय में आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियो मिलेंगी। धन्यवाद मित्रों, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हिमाचल की सेकंड हाईएस्ट हाइट है, फर्स्ट टाइप की धर्मशाला बीर बिली, देन सेकंड दिस वन सर। यहाँ से 12 किलोमीटर जाएंगे ऑफ रोड वहाँ टॉप तक। ओके, ठीक है सर। ट्रांसपोर्टेशन हमारा रहता है, ठीक है। वहाँ से आपका टेक ऑफ होगा 7500 फीट की हाइट से, ठीक है। टेक ऑफ होते हो सामने की तरफ, वो आप पूरा ग्लाइड करते हो दूसरी तरफ जो पहाड़ी है, इसके साथ में नीचे बहुत बड़ा प्लेग्राउंड है, ठीक है। वो आपका लैंडिंग पॉइंट है सर, ठीक है। टोटल इन एयर जो है आपकी टाइमिंग रहेगी सर, टॉप टू बॉटम ये रहेगी आपकी 8-15 मिनट्स, डिपेंड ऑन द विंड एंड योर बॉडी वेट सर। ओके, आपका बॉडी वेट और विंड कंडीशन पे आपका टोटल 8 से मिनिमम 8 मैक्सिमम 15 मिनट के लिए रहता है सर। ये और बात रही आपकी सेफ्टी की सर, टोटली टूरिज्म अप्रूव्ड साइट है सर, और लाइसेंस होल्डर आपके पायलट है, ठीक है। आप लाइसेंस सबके चेक कर सकते हो, ठीक है। चार्जेस सर 3200 पर पर्सन। ओके, ठीक है सर। सिंगल पर्सन के लिए अगर आप दोनों करते तो रहेगा आपके लिए 2500 पर पर्सन, 5000 रुपीज़ में दोनों हो जाएगा सर। ओके, वीडियो और फोटोग्राफी चार्जेस सेपरेट हैं सर। वो अलग से रहेंगे? वो अलग से रहते हैं। ओके ओके, कितना रहेगा वीडियो का? हेलो, वीडियो और फोटोग्राफी के जो चार्जेस थे वो 500 रुपये के आसपास थे, 500 रुपये से लेके 1000 रुपये के बीच में थे। और जो पायलट होता है वही अपने GoPro से पूरी वीडियो रिकॉर्ड करता है। दोस्तों, कितना अच्छा व्यू है चारों तरफ देखिए, और ऐसे व्यू में पैराग्लाइडिंग का मज़ा ही अलग है। दोस्तों, ये साइट है रिवर राफ्टिंग की। जब आप इस रोड पे आएंगे, कुल्लू रोड पे, तो आपको बहुत सारे बोर्ड लगे दिखेंगे, बहुत सारे काउंटर्स हैं जिसमें नंबरिंग पड़ी हुई है, वो रिवर राफ्टिंग के लिए हैं। और आप किसी भी काउंटर में रुककर बात कर सकते हैं, नेगोशिएट कर सकते हैं। हमने अपने किसी पर्सनल रीज़न से पैराग्लाइडिंग और रिवर राफ्टिंग नहीं करी, कुछ पर्सनल रीज़न था हमारा, लेकिन आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। और फिर बाद में हमने प्लान ये किया था कि हम ऋषिकेश में कभी फ्यूचर में जाकर, मैं और मेरी वाइफ, तब पैराग्लाइडिंग और रिवर राफ्टिंग करेंगे। बेसिकली रिवर राफ्टिंग ऋषिकेश में बहुत अच्छी होती है, और पैराग्लाइडिंग जो है वो सबसे अच्छी हिमाचल की जो साइट है बीर बिलिंग, वहाँ सबसे अच्छी, सबसे ज़्यादा हाइट और सबसे ज़्यादा डिस्टेंस की पैराग्लाइडिंग होती है। तो दोस्तों, आप और जगह पर भी इनका मज़ा ले सकते हैं। रिवर राफ्टिंग का रेट मुझे याद नहीं है, शायद 4000 से 5000 पर कपल का रेट था, तो ध्यान नहीं आ रहा है मुझे, लेकिन ऐसा ही कुछ था, हमने नहीं करा। और आप देख सकते हैं जब लोग ग्रुप में जाते हैं तो कितना मज़ा आता है। तो बेसिकली इस तरह की एक्टिविटीज़ रिवर राफ्टिंग तो ग्रुप में ही सबसे ज़्यादा मज़ा देती है। नदी के किनारे बैठकर ठंडे ठंडे पानी में पैरों को डालकर लहरों का मज़ा लेना और पानी की आवाज़ सुनना, ये आनंद ही अलग है। Thank you.
तभी मजा आता है, ऐसे मजा नहीं आता राफ्टिंग में। एक्चुअली राफ्टिंग में मजा तभी है जब ज्यादा लोग आए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग मनाली की ट्रिप को वीडियो के माध्यम से एंजॉय कर सकें। धन्यवाद।